ये अपना गरम गरम राइस और ये अपना अंडा मसाला। देखिए कितना अच्छा बना है, कंसिस्टेंसी भी एकदम सही बनी है अपने अंडा मसाले की। आप भी मेरे जैसा अंडा मसाला घर पर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपके घर में सबको पसंद आएगा। देखिए अंडे मसाले पे मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल रही हूँ, साथ में ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये नींबू। इस तरह से अपना अंडा मसाला राइस के साथ खाने के लिए तैयार है। अब भी आइएगा हमारे साथ खाना खाने। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब, ठीक हो? ऐसे ही रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी संडे स्पेशल है, अंडा मसाला। आज अपन बना रहे हैं अंडा मसाला, और अंडा मसाला अपन राइस के साथ सर्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अंडा मसाले के लिए क्या क्या लगता है वो देखते हैं, और कैसे बनता है वो भी तो देखना है। चलिए आप भी मेरे साथ देख लीजिएगा, ओके। चलिए आज अपन अंडा मसाला बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं। मसाला बनाने के लिए प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, थोड़ा सा नारियल को मैंने कीस लिया है, और थोड़ा अदरक लहसुन लिया है। अंडा मसाले में ये सारे मसाले अपन डालेंगे। उस पर मैंने घर पे बना हुआ गरम मसाला लिया है, रेड चिली पाउडर ली है, धनिया पाउडर ली है, नमक लिया है, और थोड़ी सी हल्दी ली है, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया लिया है। तो अंडा मसाला बनाने के लिए अपन को इतनी चीज़ें चाहिए, तो चलिए झटपट बना लेते हैं अंडा मसाला, आप भी देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन अंडों को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। मैं अंडा बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो 15 मिनट में अपने अंडे बॉईल हो जाएंगे, तब तक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। मसाले को पहले अपन फ्राई करेंगे, तो सबसे पहले अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का फ्राई करना है इनको। ये देखिए यहाँ पे अपने अदरक लहसुन फ्राई हो गए हैं, इन्हें अपन निकाल लेते हैं। बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हल्के गोल्डन हो जाए, तब निकाल लेना है इनको। इसी तरह से अपन प्याज को भी भून लेंगे। प्याज को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको भी हल्का गोल्डन कलर अपन आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए अपने प्याज का कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है यहाँ पर, और थोड़ा अपन उनको फ्राई होने देंगे। अपना प्याज और थोड़ा फ्राई होने देते हैं इसे। अपना प्याज होने आया है, लेकिन और थोड़ा फ्राई करेंगे अपन इसको। बस ध्यान रखना है कि ये जले नहीं ज़्यादा, नया प्याज है ना, तो उसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए अपना प्याज यहाँ पर फ्राई हो गया, इसे अपन निकाल लेते हैं। नया प्याज तो ऐसे ही भुना जाएगा वो। इसी कढ़ाई में मैं ये नारियल का बुरा भी भून लेती हूँ, इसे भी गोल्डन कलर आने तक अपन को भुनना है। ये तो जल्दी फ्राई हो जाता है, इसे टाइम नहीं लगता है। ये देखिए अपना सूखा नारियल भी अच्छे से भुन गया है। अब मैं गैस बंद करती हूँ, इन्हें भी निकालती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अपने अंडे भी यहाँ पर बॉईल हो गए हैं, मैंने हीटर बंद कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अपन इनके छिलके निकालेंगे, तब तक मसाला पीस लेते हैं। अपना मसाला भी यहाँ पर ठंडा हो गया है, अभी अपन इसे पीस लेते हैं। ये मसाले में आप है ना तिल भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा धनिया मैं पीसते टाइम डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी।
आधा टमाटर लिया मैंने, उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अब इसे अपन पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अपना मसाला पीस गया है। अब ये मसाले को भी अपन तेल में फ्राई करेंगे। जिसमें मसाला अपन ने भुना था ना, उसी कढ़ाई में मैंने तेल लिया है 2 चम्मच, और ये अपना तेल भी गर्म हो गया है। इसमें ये मसाला मैं डालती हूँ और थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अपना मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। यहाँ पे मसाला पहले अपन ने प्याज वो सब भून लिया था ना, इसलिए जल्दी फ्राई हो जाएगा। अब इसी मसाले में मैं ये अपने लिए हुए मसाले, जिसमें है रेड चिली पाउडर, घर का बना हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मसाले को मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया भी मैं अभी डालूंगी, धनिया का स्वाद अभी मसाले में बहुत अच्छे से उतरेगा तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। फिर मसाले डालते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। मसालों का कच्चापन जाने के लिए ये मिक्सी में जो पानी मैंने रखा है ये इसमें ऐड करूंगी। ये पानी के साथ मसालों को पकने देंगे अपन। वापस तेल छूटने तक अपन को ये मसाले को भुनना है। देखिए मसाले को कैसे हल्का हल्का तेल छूटने लगा है। अपना मसाला पकने आया है। सुगंध तो पूरे घर में फैली है मसाले की। और थोड़ी देर इसको फ्राई होने देते हैं। अपना मसाला फ्राई हो रहा है ना, तब तक अपन ये अंडे भी छील लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से छिला गया अपना अंडा। इसी तरह से बाकी अंडों के छिलके भी मैं निकाल लेती हूँ। अपने अंडे भी छिले गए हैं। अब वापस एक बार मसाला देखते हैं। ये देखिए तेल भी छूट गया है, अपना मसाला यहाँ पर पक गया है। अब इसमें मैं ये गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए ना, उसके हिसाब से आप पानी डालिएगा। मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है। अब ग्रेवी को अपन 2 मिनट के लिए पकने देंगे कम गैस पर, फिर इसमें अंडे छोड़ेंगे। ये अंडों को मैं ऐसे थोड़े से चीरे लगा देती हूँ ताकि अपना मसाला अंदर तक जाए। जब ये अंडे अपन ग्रेवी में छोड़ेंगे ना तो अंदर तक ग्रेवी जाए, इसलिए ये चीरे में लगा लेती हूँ यहाँ पर। ये अंडा मसाला है ना, चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। आप घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अपने ग्रेवी को उबाल आ गया है, इसमें अपन अभी ये अंडे डालेंगे। उनको मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ। अपन अपने अंडा मसाले को ढक्कन रखकर 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पर उबलने देंगे। अपने अंडा मसाले को ढक्कन रख के 2 मिनट हो गए, अभी खोलकर अपन देखते हैं। ये देखिए देखिए बना ना अच्छा। हमको ऐसे ही थिक ग्रेवी पसंद है। थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। देखिए अंडा मसाला खाने के लिए रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और प्लेटिंग करती हूँ। ये अपना गरम गरम राइस और ये अपना अंडा मसाला। देखिए कितना अच्छा बना है, कंसिस्टेंसी भी एकदम सही बनी है अपने अंडा मसाले की। आप भी मेरे जैसा अंडा मसाला घर पर ट्राई कीजिएगा।
मुझे यकीन है आपके घर में सबको पसंद आएगा। अंडे मसाले पे मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल रही हूँ, साथ में ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये नींबू। इस तरह से अपना अंडा मसाला राइस के साथ खाने के लिए तैयार है। आप भी आइएगा हमारे साथ खाना खाने। हाय, आपको आज का मेरा ये अंडा मसाला कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, आप ये वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय।